जय हिंद साथियों, कैसे हो? तो हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, पाषाण काल मतलब स्टोन एज। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको क्या बताया था, स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। और आज हम लोग थोड़ा देखेंगे कि जो हम लोग जब हम लोग पूरा पाषाण काल में थे, पैलोलिथिक एज में थे, जानवर थे, तो हमारी भी कई सारी प्रजातियाँ थी। जैसे डॉग होते हैं ना, बहुत सारी प्रजातियाँ होती, देसी कुत्ता है ना, उसके बाद आपका लेब्राडोर है ना, इसके बाद पामेनियन, ऐसे हमारी भी बहुत सारी प्रजातियाँ थी। तो आज थोड़ा सा हम लोग पाषाण काल में मतलब पूरा पाषाण काल में अपनी प्रजातियों के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है? और फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो पहले सबसे पहले क्या थे हम लोग, प्राइमेट्स। कई प्रकार के हम लोग क्या थे, प्रजातियों में बटे हुए थे हम लोग, क्या हम लोग जानवर थे, ठीक है? तो अब थोड़ा थोड़ा चेंजेज आएगा। चेंजेज क्या आएगा, होंगे हम लोग जानवर ही, मतलब बंदर के समान दिखते होंगे है ना, ऐप के समान दिखते होंगे, लेकिन हम में थोड़े थोड़े चेंजेज होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग को साइंटिस्टों ने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर एक है प्राइमेट्स। नंबर एक क्या है, प्राइमेट्स, प्राइमेट्स, ठीक है? तो ये जो प्राइमेट्स हैं, ये जो प्राइमेट्स हैं, ये क्या थे, बंदर थे। और पाए कहाँ जाते थे, अफ्रीका के जंगलों में। क्या थे ये, नर बानर थे, नर बानर। और पाए कहां जाते थे, अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका के जंगलों में। अफ्रीका के जंगल में, ठीक है? इसके बाद नंबर टू पे कौन थे, ऑस्ट्रोपिथेकस। कौन थे, ऑस्ट्रोपिथेकस, ऑस्ट्रोपिथेकस, पिथेकस। अब देखिए इनमें और इनमें क्या अंतर था, थोड़ा सा अंतर रहा होगा। ये थोड़ा झुक के चलते होंगे, ये थोड़ा उठ के चलते होंगे, या इनकी पूंछ लंबी होगी, इनकी पूंछ थोड़ी छोटी होगी, है ना? तो ऐसे अंतर थे। तो इन्हीं अंतर के अकॉर्डिंग हमारे साइंटिस्टों ने इनको बांट रखा था। तो ऑस्ट्रोपिथेकस जो थे, ये दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते थे। कहाँ पाए जाते थे, दक्षिण अफ्रीका में ऐसे जानवर पाए जाते थे, है ना, जिनसे हम ह्यूमन बींग की उत्पत्ति हुई, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका। और ये थोड़े क्या थे, झुककर चलते थे, झुककर चलते थे, ठीक। अगला क्या है, जिंजांथ्रोकस। क्या है, जिंजांथ्रोकस, ये पूर्वी अफ्रीका में पाए गए, जिंजान, जिंजांथ्रोकस, ये कहां पाए गए, पूर्वी अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका में। ये क्या करते थे, ये थोड़ा उठकर चलते थे, उठकर चलते थे, ठीक है? इसके बाद अगला क्या आएगा, जावा मानव। क्या आएगा, जावा मानव, जावा, ये कहां पाए गए, तो ये पाए गए जावा मानव, जावा इंडोनेशिया सुमात्रा, इस एरिया में पाए गए, और इसी एरिया के नाम इनका नाम रख दिया जावा मानव। कहां कहां पाए गए, जावा इंडोनेशिया, नेशिया और सुमात्रा, इस एरिया में ये वाले जानवर पाए गए जो कि ह्यूमन बींग जैसे लगते थे, ठीक है? आगे देखिए, आगे देखिए, इसके बाद कौन आएंगे, पेकिंग मानव, पेकिंग, पेकिंग मानव, ये कहां पाए गए, ये चीन वाले एरिया में पाए गए, चीन, ठीक है, ये चीन में पाए गए। फिर आएंगे फिल्ट डाउन, फिल्ट डाउन,
पिल्ट डाउन ये कहां पाया गया? पिल्ट डाउन पाया गया इंग्लैंड में। कहां पाया गया? इंग्लैंड। और इसके बाद आएंगे, अगला कौन आएगा? पिल्ट डाउन पे आएगा होमो सेपियंस। आपको पता भी है होमो सेपियंस क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है। होमो सेपियंस क्या है? ह्यूमन बीइंग का, हम मनुष्यों का साइंटिफिक नेम है। तो होमो सेपियंस कहां पाया गया है? होमो सेपियंस, होमो सेपियंस ये पाया गया है होमो सेपियंस पामीर में, पामीर का पठार, पामीर में। देखिए साथियों, तो मैंने आज आपको क्या बताया कि जब हम लोग स्टोन एज में थे, हम लोग जानवर थे, तो हम लोग की कई सारी प्रजातियां थी। तो उसमें से मैंने कुछ प्रजातियों के यहाँ नाम लिखे और कुछ प्रजातियों के बारे में बताया मैंने। तो जैसे प्राइमेट्स, नर वानर थे, अफ्रीका के जंगलों में पाए गए, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाए गए और ये झुककर चलते थे, है ना। जिग्जांथ्रोकस पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में पाए गए, ये थोड़ा उठकर चलते थे। जावा मानव, ये जावा इंडोनेशिया सुमात्रा में पाए गए, ठीक है। पेकिंग मानव, ये चीन में पाए गए प्रजातियां। पिल्ट डाउन इंग्लैंड में पाई गई और होमो सेपियंस पामीर के पठार में पाई गई। तो ये हम लोग की प्रजातियां थी स्टोन एज में। ये सारे क्या हम ही लोग थे, लेकिन एज अ एनिमल, ठीक है। फिर अब हमारे अंदर चेंजेज आएंगे, फिर हम लोग पूरा पाषाण काल से जब चेंजेज आते जाएंगे तब लोग क्या मानव सभ्यता की ओर जाते जाएंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो हमको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।